अब सड़कों पर दौड़ेगी हाइड्रोजन बसेस। आपने बिल्कुल सही सुना, अशोक लेलैंड, टाटा और एका मोबिलिटी के बाद अब एक चौथी भारतीय बस मैन्युफैक्चर कंपनी भारतीय मार्केट में अपनी हाइड्रोजन बस लेकर उतर चुकी है और इस कंपनी का नाम है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड ने अपनी पहली हाइड्रोजन बस से पर्दा उठा दिया है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि इलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंपनी ने अपनी इस हाइड्रोजन बस को मार्केट में उतारने के लिए रिलायंस के साथ हाथ मिलाया है। हाइड्रोजन बस से पर्दा उठाते हुए इस बात की जानकारी दी गई है कि कंपनी एक साल के भीतर ही इस बस को कमर्शियल तौर पर मार्केट में लॉन्च कर देगी। पर आपको बता दें कि इस बस में 32 से 49 यात्री सवार होकर सफर कर पाएंगे। इसके अलावा ड्राइवर के लिए एक अलग सीट दी गई है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि एक बार फुल हाइड्रोजन भरने के बाद ये बस 400 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है और इस बस के हाइड्रोजन टैंक को 15 मिनट में पूरा भरा जा सकता है और इसमें 4 हाइड्रोजन सिलेंडर दिए जाएंगे। एक आर्टिकल के मुताबिक इलेक्ट्रा की न्यूली लॉन्च बसेस कमर्शियल इस्तेमाल के लिए भारतीय सड़कों पर जल्द उतारी जा सकती है। बता दें कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी और वातावरण में बढ़ते जा रहे वायु प्रदूषण और एमिशन के नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए इलेक्ट्रा ने हाइड्रोजन से चलने वाली बसों को तैयार करने की पहल की है। जहां एक तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अब इसको टक्कर देने के लिए मार्केट में हाइड्रोजन बसेस ने भी अपना कदम रख लिया है। लेकिन इस सब में हमारे वातावरण का ही फायदा है और ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि ये हमारे वातावरण के लिए काफी फायदेमंद भी है। आपको क्या लगता है, कौन सी बसें ज्यादा अच्छी हैं, इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन? अपना विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं तो वीडियो को लाइक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।